जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हेल्दी और टेस्टी समर स्पेशल रेसिपी। गर्मी का मौसम है तो आपको बाज़ार में आसानी से खरबूजा मिल जाएगा। तो गर्मियों के मौसम में हम जूसेस और शेक्स वगैरह तो बनाते ही हैं, लेकिन आज हम खरबूजा शेक बनाएंगे, लेकिन एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में आज हम इस शेक को बनाकर तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि हेल्दी, टेस्टी और गर्मी से राहत देने वाले इस मज़ेदार से शेक को कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का खरबूजा ले लिया है, क्योंकि हम इसी में शेक सर्व करने वाले हैं। तो इस तरह से पहले हम इसे ऊपर से थोड़ा काट लेंगे और अब हमें इसके सेंटर में से सारे बीज निकाल लेने हैं। तो इस तरह से चम्मच की मदद से हमने इसके सारे बीज अलग कर लिए। तो हमने खरबूजे में से सारे बीज निकाल लिए हैं और अब इसमें से शेक बनाने के लिए हम इस तरह से चम्मच से इसमें से सारा पल्प निकाल लेंगे। तो जितना हो सके उतना हम इसमें से पल्प निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने खरबूजे का एक बोल बना लिया है, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसी में हम शेक सर्व करने वाले हैं। और इसका जो ऊपर का भाग हमने अलग किया था उसमें से भी थोड़ा सा पल्प हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने जो पूरा पल्प निकाल कर तैयार कर लिया है इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन अलग कर लेंगे। इसमें से हम खरबूजे के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे जिसका इस्तेमाल हमें गार्निशिंग में करना है। तो अब हमने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है, अब हमने जो पल्प निकाल कर रखा है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देनी है। खरबूजा ऑलरेडी मीठा है इसलिए हमने यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आप ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो चीनी बढ़ा सकते हैं। साथ ही में हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने जो खरबूजे का बोल बनाया है इसे हम किसी कटोरी पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हमने इसमें आइस क्यूब सेट कर दिए और खरबूजे के पल्प में से थोड़ा सा पल्प अलग करके हमने इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने जो शेक बनाकर रखा है उसमें से हम 1/2 क्वांटिटी ऐड करेंगे। और अब हमें गार्निशिंग के लिए इसमें से थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू ऐड कर देने हैं और फिर से हम इसमें बारीक कटा हुआ खरबूजा ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे। तो हमने 2 टेबलस्पून वनीला आइसक्रीम ली है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जो बाकी का बचा हुआ शेक है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जैसे कि बादाम, काजू और पिस्ता, और बारीक कटा हुआ खरबूजा ऐड कर देंगे। अगर आप इसे इस तरह खरबूजे के बोल में सर्व ना करना चाहें तो इस तरह ग्लास में सर्व कर सकते हैं। तो बगैर क्रीम और वनीला आइसक्रीम के हमने इसे ग्लास में भी सर्व कर लिया, बस थोड़े से आइस क्यूब सेट कर दिए, फिर हमने इसमें खरबूजा शेक ऐड किया और गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और अब ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।